प्रियो चार्लस स्पर्जन नाम के एक महान प्रभु के दास एक बात बोले वो बात क्या थी कहने से एक मसीही व्यक्ति सफलतापूर्वक पाप नहीं कर सकता अगर करेगा भी तो उसके प्रतिफल से वो बच नहीं पाएगा नो ट्रू क्रिश्चियन कैन सक्सेसफुली सिन Without फेसिंग द consequences, प्रिय असली मसीह अपने हाथ दिखाएंगे राइट right. तो सुनिए यदि आप असली मसीह हैं सच्चे मसीह हैं तो आपके जीवन में वो कोई भी पाप क्यों ना हो आप उसे सफलतापूर्वक कर पाए संभव नहीं है अगर सफलतापूर्वक किए हैं ये सोचने पर भी किए गए पाप के दंड से बच पाना संभव नहीं होगा प्रिय योना परमेश्वर का भविष्य था परमेश्वर ने योना को एक काम वो क्या काम था तुम निनवे जाओ वहां के लोगों का पाप बढ़ गया है वे अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं मैं उन्हें दंड देने जा रहा हूं सुनो योना उन्हें दंड देने से पहले मैं एक अवसर देना चाहता हूं चेतावनी देना चाहता हूं जाओ जाकर निन्नवे नगर के लोगों को चेतावनी दो तुम्हारे पापों को परमेश्वर ने देखा है तुम्हारे हरेक बुरे काम को परमेश्वर देखा है सारी सृष्टि पर शासन करने वाला परमेश्वर तुम्हारे हरेक गलत कामों को देखकर दंड देने जा रहे हैं योना जाओ जाकर बताओ इस तरह बहुत ही स्पष्ट परमेश्वर ने उससे कहा योना के नाम का अर्थ क्या है कबूतर प्रियो कबूतर किसका सूचक है शांति का सूचक है तुम तो उस निन्नवे नगर में जाओ वहां के लोग मेरे विरोध में पाप में काम करके दंड को मोल ले रहे हैं जाकर चेतावनी दो अगर वे अपने पापों से फिर जाएंगे तो उनके और मेरे बीच जो शत्रुता है वो दूर हो जाएगी वे पापी लोग जो मुझसे दूर जी रहे हैं उनके जीवन में शांति आ जाएगी प्रिय पाप करने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं रहती क्योंकि बाइबल बताती है दुष्ट के जीवन में शांति नहीं रहती प्रियो आज इस वचन को सुनने वाले आप में से किसी के भी जीवन में यदि शांति नहीं है आनंद नहीं है संतोष नहीं है तो आप कितना भी मेहनत करें उसका प्रतिफल को यदि आप देख नहीं पा रहे हैं तो उसका कारण जानते हैं आपका पाप पाप एक व्यक्ति के जीवन से शांति को दूर कर देता है स्वास्थ्य को दूर कर देता है आनंद को दूर कर देता आशीष को दूर कर देता सबको दूर कर देता है प्रियो यही यौना के जीवन में हुआ परमेश्वर ने उससे कुछ कहा और उसने कुछ और किया निन्नवे जाओ कहने से वो तरशिश के लिए निकला उस जहाज में यात्रा करते समय क्या हुआ समुद्र में आंधी और तूफान आ गया वो जहाज खतरे में पड़ गया जहाज में यात्रा करने वाले लोग भी खतरे में पड़ गए वो जहाज ना डूबे उसे हल्का करने के लिए उस जहाज में रहने वाले व्यापारी अपने साथ जो वस्तुओं को ला रहे थे उन्हें समुद्र में फेंक दिए अपने आप को खाली कर लिए प्रिय कृपया एक बात हमें ध्यान देना है योना एक आत्मिक था सेवक था भविष्यवक्ता के रूप में चुना गया था लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर हो रहा था वो दूसरों के लिए श्राप का कारण बना मैं असली मसीही हूं ये दर्शाते हुए जिन्होंने हाथ उठाया प्रिय भाई और बहन सुनिए हम असली मसीही और परमेश्वर के संतान कहलाने के बाद यदि हम परमेश्वर के विरोध में निर्णय लें गलत काम करें या पाप में काम करें तो याद रखिए उसका नुकसान हम अकेले नहीं उठाएंगे हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे पति के रूप में यदि आप परमेश्वर से दूर जी रहे हैं पत्नी के रूप में यदि आप परमेश्वर से दूर जी रहे हैं तो सुनिए आप अकेले ही उसका प्रतिफल नहीं भोगेंगे आपके पूरे परिवार को भोगना पड़ेगा एक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति कहलाने के बाद यदि वो परमेश्वर से दूर हो जाए तो वो जिन लोगों के साथ भी रहेगा उन्हें क्लेश होगा एक आत्मिक व्यक्ति एक मसीही व्यक्ति अगर निर्भय होकर पाप करेगा तो उसके पाप के कारण उसके परिवार के ऊपर क्लेश आएगा जो सेवक वचन के अनुसार ना जीकर पाप में जीवन जीते हुए सेवा करता है उस कलिशिया को क्लेश होगा प्रियो योना को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना था लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में जी कर अपने आसपास के लोगों के जीवन में क्लेश लेकर आया दुख लेकर आया जान को खतरे में डाल दिया यदि आज आप अपने परिवार के लोगों के जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं तकलीफ लेकर आ रहे हैं मुसीबतों को लेकर आ रहे हैं तो इस बात को आप याद रखिए आप पाप में जी रहे हैं पाप में जीने वाले कोई भी अपने आसपास के लोगों को शांति नहीं दे सकते आत्मिकता को नहीं दे सकते आनंद को नहीं दे सकते आशीषों को बांट नहीं सकते वे केवल दुखों को मुसीबतों को परेशानियों को क्लेश और कष्टों को अशांति और वेदना को ही दे सकते हैं प्रिय योना से जब पूछे तुम कौन हो योना ने कहा मैं एक इब्री हूं इब्री यानी कौन है जानते हैं अब्राहम की संतान प्रिय जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए तो क्या प्रतिज्ञा दिए मैं तुझे आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा और तुझे आशीष का मूल करूंगा अब्राहम तुम आशीष पाओगे तुम्हारे द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी इब्री का अर्थ जानते हैं दूसरों के लिए आशीषदायक रहने वाला प्रिय मसीह भाई और बहनों हम कौन है जानते हैं परमेश्वर के द्वारा आशीष पाकर दूसरों के लिए आशीषदायक बनकर रहने वाले परमेश्वर के द्वारा आशीष पाकर दूसरों के लिए आशीषदायक रहने वाले हमें आशीष पाना है और दूसरों के लिए हमें आशीषदायक रहना है परमेश्वर चाहते हैं लेकिन जब आप अपने जीवन में अनाज्ञाकारिता को आने देते हैं और जानबूझकर जिस विषय में आप परमेश्वर के विरोध में जिएंगे, विरोध में आप निर्णय लेंगे वो विरोधी स्वभाव आपके आशीष को दूर कर देता है और आपके आसपास के लोगों के आशीष को भी दूर कर देता है योना की अनाज्ञाकारिता उसके आसपास के लोगों के लिए मुसीबत ले आई प्रिय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा आशीष का कारण बनाऊंगा लेकिन अब्राहम गलत ही किया अपनी पत्नी के विषय में कहा यह मेरी बहन है ऐसे नहीं कहने से लोग उसे मार देंगे इस डर से उसने झूठ बोला प्रियो वो सोचा परिवार के ऊपर जो विपत्ति आ रही है उससे बच जाऊंगा लेकिन उसके झूठ के कारण अपने परिवार के ऊपर अपमान को लेकर आया और उतना ही नहीं बाइबल में क्या है देखेंगे आइए उत्पत्ति बारह अध्याय बारहवें वचन से और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूं जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे पंद्रवा वचन और फिरोन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरोन के सामने उसकी प्रशंसा की इसलिए वह स्त्री फिरोन के घर में पहुंचाई गई और फिरोन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे, और ऊंट मिले परंतु यहोवा ने फिरोन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली प्रिय अब्राहम के झूठ के कारण फिरोन और फिरोन के परिवार में बड़ी बड़ी विपत्तियां पड़ी फिरोन जब भयानक विपत्तियों में से गुजर रहा था उसे संदेह हुआ ये सारा जब से हमारे घर में कदम रखी है हमारे घर में विपत्तियां आई हैं असली में ये कौन है जाकर पता लगाओ ये कौन है फिर क्या वो देखेंगे आइए अठारह वचन तब फिर अब्राहम को बुलवाकर कहा तूने मेरे साथ यह क्या किया तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया प्रियो ये था कारण प्रियो फिर शारे को अपने घर में क्यों बुलाया जानते हैं उसे पत्नी बनाने के लिए शारे को वो अपना बनाना चाहता था प्रियो कितनी भयंकर घटना घटने वाली थी अब्राहम सोचा झूठ बोलने के द्वारा विपत्ति टल जाएगी लेकिन उस झूठ के द्वारा उसका परिवार टूटने वाला है परमेश्वर की महान योजना विफल होने वाली है जान नहीं पाया प्रियो जिसे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना था परमेश्वर के विरुद्ध झूठ पर आधारित होकर जीने की कोशिश किया तो वो अपने परिवार के ऊपर मुसीबत लेकर आया क्लेशों को ले आया प्रिय भाई और बहनों पाप के द्वारा हम कभी भी सुख शांति नहीं पा सकते हम में कोई सोच रहे हो कि मेरे किए गए पाप के कारण मैं सुखी जीवन जी रहा हूं मैं व्यभिचार करके आराम से पैसे कमा रही हूं मैं अपने अन्याय के कामों के द्वारा आसानी से पैसे कमा रहा हूं अन्याय के द्वारा धोखे के द्वारा मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया हूं मैं अपना मकान खरीद लिया हूं कार खरीद लिया हूं आज मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है ऐसे आप सोच रहे हैं लेकिन सुनिए परमेश्वर के विरोध में काम करके आप जो भी कमाएंगे उसमें से कुछ भी आपको सुख शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी अगर मिलेगी भी तो थोड़े दिनों के लिए ही सुख शांति आपको मिलेगी प्रियो योना जब परमेश्वर के विरोध में जाना है निर्णय लिया उसे यात्रा के लिए जहाज तैयार मिला वो सोचा अरे वाह मैं सोचा कि नहीं जहाज तैयार है टिकट मिलेगा कि नहीं जाने से टिकट मिल गया आ हा टिकट मिल गया बर्थ मिलेगा क्या अंदर बर्थ भी मिल गया अंदर नींद आएगी क्या नींद भी लग गई वो सोचा समय मेरा साथ दे रहा है लेकिन वो नहीं जानता था एक भयानक प्रचंड आंधी उसका इंतजार कर रही है प्रिय परमेश्वर के विरोध में निर्भय होकर जीते हुए निर्भय के साथ पाप करते हुए निर्भय होकर पाप में कामों को करते हुए मुझे कुछ नहीं हो रहा है सोचने वाले प्रिय भाई और बहन सुनो आज आपको कुछ नहीं हो रहा लेकिन कल आने वाला है प्रिय निवे शहर के लोग पाप में कामों को करते हुए भी सुख और शांति से जी रहे थे वे सोचे हमें कुछ नहीं होगा लेकिन परमेश्वर का क्रोध उन पर पड़ने वाला है प्रियो परमेश्वर ने इसी बात को योना से कहा था जाकर उन्हें बताओ मैं उनके पाप को देख देख कर अब सह नहीं पा रहा हूँ उनसे जाकर बोलो दंड देने वाला हूँ प्रियो आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं दंड देने जा रहा हूं मैं तुम्हारे पाप को देखा तुम्हारे पाप को देखकर सह नहीं पा रहा हूँ अब मेरा क्रोध भड़क उठा है इसलिए अब मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन सुनिए योना के किए गए गलती के कारण वो अपने दंड से बच नहीं पाया अब्राहम के बोले गए झूठ के कारण वो दंड को पाया प्रियो आकान नाम का एक व्यक्ति जो चांदी और सोना परमेश्वर से संबंधित था उस चांदी और सोने को लाकर अपने डेरे में छुपा लिया फलस्वरूप इसराइली लोग ए नाम के एक छोटे प्रांत में जब वे युद्ध करने गए तब उन्हें हारना पड़ गया यहोशु अपने वस्त्र फाड़कर परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिरकर रोया पिताप ने मुझसे कहा था ना मेरे सामने कोई भी खड़े नहीं हो सकता मैं जहाँ कदम रखूंगा वो स्थान मुझे दोगे बोले ना, मेरे संग रहकर मुझे जय देंगे बोले ना। कहा है वो जय हार गए हम एक छोटे नगर से हम हार गए हमारे छत्तीस सैनिक मार दिए गए अपनी जान गंवा दिए क्यों हम इस तरह हार गए हैं क्यों हमारा ऐसा अपमान हुआ है तब परमेश्वर ने कहा इसराइली लोग मेरे विरुद्ध पाप किए हैं तुम्हारे पाप के कारण तुम्हें यह अपमान मिला है तुम्हारी अनाज्ञाकारिता के कारण तुम हारे हो प्रिय उनका अपराध क्या था उनका पाप क्या था परमेश्वर ने आखान को प्रकट किया आखान बुलवाया गया आकान तुमने क्या पाप किया है तब उसने कहा मैं जो परमेश्वर का था उस सोने के ईट को छिपा लिया यह की पुस्तक सातवा अध्याय इक्कीसवा वचन कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 सौ शक्केल चांदी और 50 शक्केल सोने की एक ईट देख पड़ी तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है परमेश्वर ने उन्हें पहले ही बताया तुम यरियो नगर को जा रहे हो वो श्रापित नगर है उसे पूरी रीति से जला देना लेकिन सोना चांदी पीतल लाकर मेरे भवन के भंडार में सौंप देना छठवा अध्याय अठारवा वचन और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार जराली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। उस चांदी को सोने को तुम मत लेना उन पीतल के पात्रों को तुम मत लेना उन्हें लाकर तुम मेरे भंडार में सौंप देना परमेश्वर ने कहा वो चांदी और सोना परमेश्वर का था आकान ने क्या किया जानते हैं जो वस्तुएं परमेश्वर से संबंधित थी जिन्हें परमेश्वर के भंडार में लाकर सौंपना था उन्हें लाकर अपने डेरे में छिपा लिया इस तरह छिपाकर जब उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया जब इज़राइली लोग युद्ध में गए उन्हें हार ना पड़ गया उस हार को देखकर कर यहोशु रोया विलाप किया तब परमेश्वर सच्चाई को प्रकट किए इसराइली लोग मेरे सम्मुख पाप किए हैं क्या था वो पाप कहने से जो उनका नहीं था जो मेरा था उसे वे छिपा लिए कौन है वो आकान नाम का एक पापी व्यक्ति प्रिय भाई और बहनों ध्यान दीजिए आज हमारे पास जो कुछ है उसे परमेश्वर ने हमें दिया है वो स्वास्थ्य हो सुंदरता हो आशीष हो नौकरी हो स्वयं का मकान हो व्यापार हो या वाहन हो या बच्चे हो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है परमेश्वर के दिए बिना इस संसार में कोई भी कुछ नहीं पाया है आज आपके पास वस्त्र है इस भूमि से ही आया है आज आप मकान खरीदे हैं और वो मकान जिससे बनाया गया है वो सीमेंट हो रेत हो ईट हो सब भूमि में से आया है आप बाइक इस्तेमाल करते हैं उसमें पेट्रोल कहां से आया इस भूमि में से ही आया है बाइक बनाने के लिए आयरन कहां से आया वो भी भूमि में से आया है आपने जो सोना पहना वो कहां से आया भूमि में से आया हो? आज मनुष्य के पास जो कुछ है उन सभी को परमेश्वर इस धरती में छिपा कर हमको इस धरती के ऊपर खड़े करके तुम्हारे पांव के नीचे ही सब छिपा कर रखाऊं अनुभव करो इस तरह प्रभु हमें आज्ञा दिए यानी आज हमारे पास जो कुछ भी है परमेश्वर के दिए बिना हम कुछ भी पाए नहीं है उस परमेश्वर ने क्या कहा कि जो मेरा है उसे तुम मत लो चांदी सोना मेरे भंडार में लाकर रख दो कहने से आकान लालच करके उसे अपने घर में छिपा लिया कलवरी आवाज को सुनने वाले भाई और बहन हम में से कोई भी अपने ही हाथों से परमेश्वर के क्रोध और शराब को मोल लेने की अनुमति नहीं है बाइबल बताती है जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दो कैसर का कैसर को दो जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो सारे दशमांश को मेरे भवन में लेकर आओ इस तरह परमेश्वर ने आज्ञा दिया दशमांश को छिपाने के द्वारा हमें कभी भी आशीष नहीं मिलेगी आकान जो परमेश्वर का था उसे अपने घर में छिपाकर खतरा मोल लिया प्रियो आप में से कोई भी जो परमेश्वर को देना है उसे छिपाकर दुखों और कष्टों को मत उठाइए विनती कर रहा हूं प्रियो आकान का किया गया पाप केवल आकान के साथ खत्म नहीं हुआ छत्तीस सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी उसके बाद आकान के किए गए पाप के कारण उसका सारा परिवार मारा गया का तब यहोशु ने उससे कहा तूने हमें क्यों कष्ट दिया है आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा तब सब इसराइलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए चौबीस वचन तब सब इसराइलियों समेत जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको अकोर नामक तराई में ले गया प्रिय उजिन आकान का सारा परिवार मार दिया गया यानी इसका अर्थ जानते कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक चोरी करके अनुभव करे ये संभव नहीं है सोचा चोरी करके अनुभव कर सकता हूं लेकिन नहीं कर पाया आज हमारे बीच कोई है क्या अन्याय से कमाने वाले बलपूर्वक कमाने वाले धमकी देकर कमाने वाले दूसरों को दुख देकर कमाने वाले अपना पेट भरने वाले हैं क्या तो सुनिए आकान अन्याय से कमाकर कुछ हासिल करूंगा सोचा लेकिन उस कमाई के कारण उसकी जान चली गई प्रियो यदि आप असली मसीही हैं अन्याय से कमाने की कोशिश मत करना क्यों जानते हैं वो आपकी जान के लिए खतरा है अन्याय से कमाकर ना तो आप खुश रह सकते हैं ना आनंदित रह सकते हैं और ना ही कुछ हासिल कर सकते हैं आकान जी नहीं सका प्रियो झूठ बोलने के कारण अब अपने परिवार के ऊपर अपमान ले आया कष्टों को ले आया परमेश्वर की विरोध में चलने के कारण योना वो स्वयं कष्टों में फंस गया और अपने आसपास के लोगों को भी फंसा दिया हाकान अन्याय से कमाने के कारण अपने परिवार को खो दिया अपने लोगों के पराजय का कारण बना प्रियो शिमशोन विवाह के विषय में गलत निर्णय लिया पहले उसके परिवार के लोग नहीं मान रहे थे फिर उनको मना लिए और दूसरी ओर उस लड़की के पेरेंट्स को भी जब मना लिए तो उसने सोचा कि मेरा विवाह बड़े धूमधाम से होगी धूमधाम से ही हुई शादी धूमधाम से हुई लेकिन वो परिवार बनाया नहीं गया बिखर गया शिमशोन परमेश्वर के विरोध में विवाह करके अपने जीवन में क्या हासिल किया यानी फिर से कह रहा हूं कि यदि आप आत्मिक हैं तो परमेश्वर के विरोध में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका उन्नति करना संभव नहीं होगा महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी सफलतापूर्वक पाप को नहीं कर सकता अगर हम करने की कोशिश करेंगे भी तो उसके प्रतिफल को पाने से बच नहीं सकते बहुत ही सीधे और स्पष्ट आप हमसे बोले अब्राहम का पाप उसके परिवार और उसके लोगों के जीवन में वेदना को लेकर आया हाकान का पाप देश को पराजित किया परिवार को नाश कर दिया शिमसौन का पाप उसके परिवार के टुकड़े कर दिया योना का पाप जहाज के लोगों को खतरे में डाल दिया पिता हम आत्मिक जीवन जीए और आशीष पाए इसलिए आप हमें बुलाए हैं हमारे आसपास के लोगों में अशांति और गड़बड़ी को लेकर आ रहे हैं पिता हमें क्षमा कीजिए हमें माफ कीजिए ईशु के नाम से मांगते हैं पिता हा प्रिय संदेश के द्वारा आप आशीष पाए तो और भी लोगों को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवेशन में मिलेंगे शलोम